हेलो गाइस, मैं आज आप लोग के साथ नया वीडियो के साथ हूँ। आज एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और इसको कोडिंग करके भी देखेंगे। ये वीडियो के स्ट्रैटेजी में क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लिमिटेड लॉस है, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। मैं एक चीज बता दूं, आप ये हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप वीडियो कैसे भी लगा। नया स्ट्रैटेजी कुछ चाहिए या कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए देन आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। वीडियो को हम लेंथ ज़्यादा नहीं करना है, टाइम लिमिट में हमको करना है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता इसके लिए। तो मैं ट्राई करता हूँ कितना फास्ट हम कोडिंग कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं उतना फास्ट मैं करूँगा। अभी वीडियो लेट नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं पहले क्या स्ट्रैटेजी है, उसके बाद हम कोडिंग करेंगे। स्ट्रैटेजी का नाम जो है कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी में क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, मार्केट अप जाएगा तो बुलिश रहेगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लिमिटेड प्रॉफिट इफ द मार्केट गोज डाउन, प्रॉफिट कम हो जाएगा कभी मार्केट आपका अपोजिट में जा रहा है, आपका फेवर में गया तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अपोजिट में जा रहा है देन मार्केट आपको फिर भी प्रॉफिट देगा, बहुत कम देगा। ये कभी लॉस देगा इनकेस आपका जो मार्केट है वो एक रेंज बाउंड में, रेंज में ही घूम रहा है, देन आपको तभी लॉस होगा, तभी क्या होगा ना, प्रीमियम डीके हो जाएगा, प्रीमियम डीके हो गया तो तभी लॉस हो जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट रहेगा। स्ट्रैटेजी का क्या नाम है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। ओके, तो इसमें कैसे काम करता है स्ट्रैटेजी, तो इसमें हमको क्या करते हैं, एक आईटीएम को सेल करते हैं और दो ओटीएम को बाय करके रखते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपायरी है सेम एक्सपायरी होना चाहिए, वीकली एक्सपायरी ले रहे तो सेम एक्सपायरी होना चाहिए, सेम अंडरलाइंग होना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या है, रेशियो मेंटेन रहेगा, दो बाय करना है ओटीएम को, एक एटीएम आईटीएम को सेल करना है। एग्जाम्पल के लिए हम चलिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन को, ये ऑप्शन चेन आ गया हमारा। आप देखिए निफ्टी अभी 20,192 में अंडरलाइंग है, तो इसका जो एटीएम है तो किधर है, 20,200 उसका एटीएम हो गया। हमको क्या है, एक आईटीएम को सेल करना है, दो ओटीएम को बाय करना है। ओके, सही है, तो हम मान लीजिए ये एटीएम तो हो गया, आईटीएम बोले तो ये साइड हो गया, एक ये 158 का जो आईटीएम है अब इसको सेल कर दीजिए, कौन सा ये 158 का आईटीएम को 20,100 को हम सेल करेंगे, इधर बाय करेंगे कौन सा 20,350 को बाय करेंगे और एक 20,400 को भी बाय कर सकते हैं, ये दो हम बाय करेंगे, ये दो ये एक को सेल करेंगे। ओके, एक आईटीएम हो गया, इधर दो ओटीएम हो गया, ये दोनों बाय एक सेल, इतना ही है हम कोडिंग करना है, ये ऑटोमेटिक होता रहता है, ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा ट्रेडर्न के ऊपर हम कोडिंग करेंगे। स्ट्रैटेजी अभी आपको मालूम पड़ गया, तो अभी हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। ये ट्रेडर्न का स्ट्रैटेजी क्रिएट स्ट्रैटेजी पेज है, आपको पता रहेगा 100% मेरे हिसाब से, नहीं है तो आप कुछ नहीं है, ट्रेडर्न का लॉगिन कीजिए और स्ट्रैटेजी में जाइए और क्रिएट कीजिए, तो क्लिक करेंगे तो ये चीज आ जाएगा। कोडिंग करने से पहले मैं बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं ये चैनल के ऊपर ट्रेडर्न के ऊपर और एल्गो कोडिंग जो होता है या कुछ स्ट्रैटेजी मैं अपलोड करता रहता हूँ वीडियो के जरिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देके रखा है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज और इंस्टाग्राम पेज आप फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी का नाम हम लिख देते हैं कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, तो इसको कोडिंग करेंगे। हमको दो ही कंडीशन चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।
टाइम का कीवर्ड लगाना है क्या हमको, टाइम ग्रेटर देन नंबर, नाइन ट्वेंटी आप रख दीजिए, टाइम लेस देन नाइन थर्टी। हमको क्या ऑलरेडी मालूम है कि मोस्टली ट्रेंड क्या होता है, वेडनेसडे के दिन साइडवेज रहता है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। आप चाहे तो फ्राइडे भी अवॉइड कर सकते हैं, बट मैं इधर वेडनेसडे के लिए ब्लॉक करता हूँ। वेडनेसडे को हम छोड़ के बाकी सब दिन ट्रेड करेंगे, आपको चाहिए तो फ्राइडे भी आप डाल सकते हैं। ओके, तो कंडीशन में मैं और एक चीज ऐड करेंगे, वीकडे नॉट इक्वल टू नंबर। नंबर कितना होना चाहिए वीकडे के लिए, वेडनेसडे के लिए तीन होना चाहिए, बस सबमिट कर दीजिए, एंड में रहना चाहिए सबमिट। तो हमको क्या करना है, पहले बाय करना है, क्योंकि सेल में जाएंगे तो हमको ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो ऑप्शन बाइंग में हम थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा स्मॉल कैपिटल में कैसे हो सकता है ऑप्शन बाइंग, एक्सचेंज एनएफओ, ये हमको कॉल ही बाय करना है और कॉल को ही सेल करना है, हेजिंग पोजिशन बनाना है हमको एक्चुअली, वन टाइप ऑफ निफ्टी, निफ्टी में कर रहे हैं नॉर्मल, एटीएम, एटीएम नहीं करना है, एफएक्स करना है, एफएक्स में इधर जाना है, एटीएम लिखना है, अंडरलाइन निफ्टी फिफ्टी, इधर क्या होना चाहिए, ऑप्शन चेंज चलते हैं, ऑप्शन चेंज में बता देते, ये एटीएम हो गया हमारा राइट, ये एटीएम हो गया तो ये साइड जाएंगे तो प्लस में आएगा, ये साइड प्लस में है, इधर से आईटीएम को जाएंगे तो माइनस में जाएगा। एटीएम प्लस हो गया तो क्या है, हमको ये 30 और 20 को बाय करने का था ना, तो 1 2 3 एटीएम प्लस 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, हम एटीएम प्लस 3 एंड 4 ये दोनों बाय करेंगे और नेगेटिव में माइनस में जाएंगे तो 1 2 3 3 वाला सेल करेंगे। ओके, एटीएम प्लस सॉरी 3, 3 को हम बाय करेंगे, करेंट वीक क्वांटिटी नहीं, एक लॉट बाय करेंगे, और एक भी पेस्ट करते हैं, इसको क्या करेंगे एटीएम 4 करेंगे, ओके तो अपडेट, दो बाय हो गया और एक कॉल ऑप्शन को सेल करना है। ओके, तो इसी को भी पेस्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको हम एडिट करेंगे, सेल को करेंगे नेफो कॉल निफ्टी 50 नॉर्मल, एफएक्स में जाएंगे, एफएक्स में क्या करेंगे ए माइनस 3। ओके, इसमें माइनस 3 हो गया तो वो 180 वाला हो जाएगा अपडेट। दो बाय किया है हमने एटीएम को, एटीएम प्लस 3 एंड 4 को, एंड एक को सेल किया है हमने। ओके, सब एक एक लॉट है, तो ये हमारा कंडीशन बिल्डर हो गया और पोजीशन बिल्डर भी हो गया। इसको क्या करना है, हमको एग्जिट करना है, एग्जिट कभी करना है, एग्जिट में तीन कंडीशन डालते हैं, पीएनएल को अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा तो अनलिमिटेड है, लॉस होगा तो लिमिटेड है। ओके, तो पीएनएल डालते हैं, पीएनएल ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, मुझे इधर 2000 प्रॉफिट हो गया तो बस से। ओके, तो मल्टीप्लायर करेंगे, मल्टीप्लायर कॉपी करेंगे
इसको पेस्ट कर लेते हैं, आपको तो ये पता ही रहेगा। मैं इसको 1800 कर देता हूँ। ओके 1800, देन कॉपी पेस्ट मल्टीप्लायर टाइम। टाइम का क्यों यूज करेंगे? ग्रेटर देन नंबर 15 25, सबमिट। ओके आपको कुछ प्राइवेट स्ट्रैटेजी बनाना है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे के रखा है, आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके फॉर्म भर सकते हैं और नया स्ट्रैटेजी प्राइवेट स्ट्रैटेजी आपके लिए बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे लगा वीडियो, और कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।